दोस्तों, अगर आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आपको कम्युनिटी फीचर जो YouTube का है वो नहीं मिला है, तो टेंशन क्यों ले रहा हो यार। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मिलेगा। 500 सब्सक्राइब होने के बाद अगर आपको YouTube यहाँ पे कम्युनिटी फीचर नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से मिलेगा। और अगर आपके 500 सब्सक्राइब यहाँ पे हो चुके हैं और आपको कम्युनिटी मिल चुका है, तो आपको नहीं पता है किस तरीके से यूज करना है, क्या होता है, उसके ऊपर मैं 2 वीडियो यहाँ पे बना चुकी हूँ टैब की, जाके उनको देख लो। बहुत कुछ ज्ञान पहला हुआ है उनमें और जाके देख सकते हो, उनको देख के खूब सारा ज्ञान आप भी ले सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं भाई, कम्युनिटी फीचर अगर आपको नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, किस तरीके से यूट्यूब टीम से बात होगी, किस तरीके से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस किस को मिलता है, वो तो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में अगर आपको यहाँ पे एक चैनल बढ़िया यहाँ पे चैनल बना रखा है, तो टेंशन नहीं लेने वाली, आपको 500 सब्सक्राइब होने के बाद मिल जाएगा। तो सभी कुछ बताने से पहले ये बोलना चाहूंगा, जल्दी से फर्स्ट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर और पे प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो यहाँ पे 500 सब्सक्राइब के लिए मैं आपको बता दूं कंडीशन क्या होती है यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी टैब लेने के लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइब होने चाहिए और 500 सब्सक्राइब होने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी टैब यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ होता है क्या है भाई, उनको कम्युनिटी टैब नहीं मिल पाता है, उनके 500 सब्सक्राइब भी कंप्लीट हो जाते हैं और सब्सक्राइबर 500 कंप्लीट होने के बाद भी उनको जो यहाँ पे कम्युनिटी टैब नहीं मिलता। तो उनकी गलती क्या रहती है, उनकी गलती ये रहती है वो चैनल पे अपने जो है यहाँ पे जो आपका उनका मेन चैनल होता है उस पर एक सेटिंग करके नहीं रखते हैं। वो वाली सेटिंग कौन सी यहाँ पे भाई, किड्स वाली, मतलब आपने जो वीडियो बनाई है वो बच्चों के लिए बनाई है या फिर बड़ों के लिए बनाई है। अगर उन्होंने यहाँ पे ये जो है अपने चैनल पे रहता है भाई उनके की भी ये हमने जो वीडियोस बनाई हैं बच्चों के लिए बना रखी हैं, तो उनको कम्युनिटी टैब नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको सेटिंग करनी है, आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद अपना चैनल जो है वो खोल लेना है, यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग वाला जो बटन रहता है वो आपको देखने को यहाँ पे नीचे को मिल जाता है। तो जो सेटिंग वाला बटन रहता है यहाँ पे, सेटिंग वाले बटन पर बस क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे चैनल वाला एक बटन आपको मिलता है, चैनल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही चैनल पे क्लिक करोगे, चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एडवांस पे आपको क्लिक करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाता है, एडवांस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नीचे को आ जाओ और यहाँ पे नीचे को आने के बाद ही आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आपका चैनल मतलब किस लिए बनाया है आपने, किस लिए नहीं बनाया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। एक तो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है उसमें ये रहता है कि भाई मैं हर वीडियो में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि ये मैंने वीडियो जो है बच्चों के लिए बनाई है या बड़ों के लिए बनाई है, मतलब 18+ के लिए या फिर जो नॉर्मल लेते हैं भाई 12 से उस साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनाई है नहीं बनाई है, वो हर वीडियो में मैं सिलेक्ट करूंगा। लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे रहता है हमारा जो चैनल है वो बच्चों की वीडियोस बनाने के लिए ही है, तो वो यस वाला बटन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जो यस वाला है ऊपर में। अगर आप बच्चों के लिए चैनल आपने बनाया और बच्चों के लिए वीडियोस ही बनाते हैं तो आप यस वाले पे सेलेक्ट करते हो। लेकिन मैंने क्या कर रखा है भाई, यहाँ पे मेरा तो बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाता, यहाँ पे 12 साल से ऊपर के 10 साल से ऊपर के जो वीडियो देखते हैं या फिर उससे ऊपर के जो होते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 9 पे क्लिक करके रखा हुआ था और 9 पे क्लिक कर रखा था, इसीलिए मुझे यहाँ पे कम्युनिटी फीचर भी जो है वो मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आके अगर आपको ये चेक करना है, अगर आपको ये गलत हो रहा है तो आप इसको 9 पे क्लिक करके 9 पे सेट करके आपको यहाँ पे यस वाला एक बटन मिल जाएगा, मतलब इसको सेव वाला बटन मिल जाएगा, इसको 9 पे क्लिक करके सेव वाला बटन है सेव पे से क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपका काम खत्म। ये करने के बाद अब आपको जाना है अपने, तो कुछ इस तरीके का चैनल है भाई मेरा, भाई अपना कुछ इस तरीके की वजह से ही मैंने चैनल बना रखा, तो इस पर भी देख लो मुझे कम्युनिटी टैब नहीं मिला हुआ है क्योंकि इस पर 500 सब्सक्राइबर नहीं। और 500 सब्सक्राइब अगर आपके हो गए फिर आपको नहीं मिला तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो वही इतना काम कंप्लीट करने के बाद अब आपको जाना है कहाँ से, सीधा सीधा बस YT स्टूडियो एप्लीकेशन में, आपको पता ही होगा, तो YT स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना है। जैसे ही जाओगे, जाने के बाद आपको ऊपर में जिस तरीके से आपकी जो वीडियोज़ वगैरह डाल रखी वो आ जाएंगी और ऊपर में आपको एक प्रोफाइल वाला आपका बटन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका सब्सक्राइब दिखा रहा होगा, ऊपर में एक बटन जो है वो दिखा रहा होगा प्रोफाइल वाला, प्रोफाइल वाले बटन पर बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेंड फीडबैक वाला, तो सेंड फीडबैक पर बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके चैनल का, जितने आपके चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह है और यहाँ पे सिस्टम लोगो वगैरह आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करके देखोगे तो आप एक स्क्रीनशॉट आपके चैनल का जो है वो यूट्यूब को चला जाएगा, ठीक है, वो आप देख सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे आपकी ईमेल आ रही होगी ऊपर, जिस ईमेल से आप यहाँ पे जो आपकी चैनल की ईमेल आईडी है वही होनी चाहिए जिससे आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, अब आपको क्या लिखना है वो मैं आपको मटेरियल जो है मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है वो बताता हूँ। सिंपल से क्या लिखना है मैं लिखूंगा भाई, यहाँ पे जो है मैंने इसको लिखा है तो मैंने इसे कॉपी करता हूँ। जैसे कि मेरे चैनल का नाम, इस वाले चैनल का नाम है भाई, भाई है अपना, तो मैं वहीं पर लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने उसे कॉपी कर लिया जो मैंने लिख के रखा था और इसको यहाँ में जो है सीधा सीधा बस पेस्ट जो है
कर देता हूँ। देख लो यहाँ पे सब, तो भाई यहाँ पे आप देख लो मैंने लिखा है डियर यूट्यूब टीम आई हैव कंप्लीट 500 प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई हैवंट गॉट द कम्युनिटी टैब येट, प्लीज़ एनेबल कम्युनिटी टैब फीचर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक्स यहाँ पे लिखा है, थैंक्स रिगार्ड्स, सॉरी यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख दिया लास्ट में भाई अपना। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये कंप्लीट लिख दो, लिखने के बाद आपको जो है सीधा सीधा आपको भी दिख रहा होगा नहीं, आप यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लिख सकते हो सेम इसी तरीके से लिख के, बस आपको यहाँ पे सेंड वाला जो बटन ऊपर में आपको दिख रहा होगा, बस इस सेंड वाले बटन पे इसको क्लिक करके सेंड कर देना है। अब आपकी यूट्यूब टीम आपको इसको चेक करेगी भाई, यहाँ पे जो है इसको पूरा चेक करेगी, एक यहाँ पे जो है एक दिन भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, इसको पूरा चेक करेगी। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब जो है 100% हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो यहाँ पे क्या कर देगी भाई, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, YouTube कम्युनिटी टैब फीचर। ये काम तभी करना आप अगर आपके चैनल पे मतलब जो है 500 सब्सक्राइब होने के 7 दिन बाद यहाँ पे फिर भी अगर आपको कम्युनिटी टैब नहीं मिला है, फिर ये चीज़ लिख के आपको YouTube के पास सेंड करनी है, जो मैंने आपको पहले काम बताया वो करके इसको लिख के सेंड करना है, और YouTube आपके चैनल को चेक करके एक बार आपको कम्युनिटी टैब दे देगा, और उसके बाद कम्युनिटी टैब मिलने के बाद उसका पूरा पूरा फायदा आप उठा ही सकते हो। बाकी दो वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी जाके देख लो, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस यही थी आज की वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं ऐसी वीडियो अपडेट ला के देता रहूँगा। थैंक यू।